आज मैं अपने विषय का पहला टॉपिक आपके बीच ला रहा हूं और वो टॉपिक वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए भी जरूरी है और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत का संविधान कैसे बना, बनाने के लिए कैसे लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नतीजा आज हमारे सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने पड़ाव रहे। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में संपन्न हुई और उसी इलाहाबाद की संधि के बाद से हम देखते हैं कि अंग्रेजों का बंगाल पर शासन शुरू हुआ, एक्सपेंशन की पॉलिसी उनकी, साम्राज्यवादी देश विस्तार करते चले गए और 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हम देखते हैं कि इंडियन चार्टर 1833 के द्वारा जिस गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और अंग्रेजों का भारत पर शासन शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद इस देश में एक राजनीतिक चेतना की लहर पैदा हुई। यद्यपि राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए दादा भाई नौरोजी जैसा शख्सियत हमारे सामने आते हैं, आरसी दत्त जैसे व्यक्ति, सीआरदास जैसे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। हम भाषा के आधार पर बटे थे, क्षेत्र के आधार पर बटे थे, जाति के आधार पर बटे थे, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बटे थे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कैसे इस देश के रहने वाले लोगों में एक कॉमन सोच डेवलप किया जाए। राजपूतों के ऊपर अगर हमला हुआ तो सिखों ने मजा ली, जब अंग्रेजों ने बंगाल को लिया तो अवध बैठकर हंस रहा था और जब अवध को ले लिया तो उसको भी हंसने का मौका मिला। करते कराते आप देखेंगे कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। होश नहीं आया, होश तब आया जब हमें भी मारा, उनको भी मारा, सबको एक एक चाटा मारते चला गया और जीतते चला गया। फिर एहसास हुआ कि चाटा मुझको ही नहीं मारा, सारे लोगों को मारा, तो एक राष्ट्र की चेतना भारत में विकसित हुई। विकसित करने वाले लोगों में दादा भाई नौरोजी और सीआरदास, आरसी दत्त जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना विकसित करने के लिए क्या जरूरी था, कैसे ये सोचे लोग कि भारत पर अंग्रेज शासन कर रहा, गवर्न कर रहा है, तो उसमें भारत के लोगों का अहित का क्या है, क्या कहा आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत गरीब है, भारत का शोषण हो रहा है, भारत भूखों मर रहा है और भारत के इस गरीबी का मुख्य कारण क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। अंग्रेज यहां से खूब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और लेकर ब्रिटेन चला जा रहा है, यही भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। ये वो सोच थी जिस सोच ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया और सबको लगने लगा कि अच्छा मैं गरीब इसलिए हूं, तो मैं के जगह पर हम की भावना विकसित हुई, भारत एक राष्ट्र के रूप में आपके सामने आया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो 1857 के विद्रोह के बाद देश में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई और जब शुरुआत हुई तो उसी
दौरान इस चिंतन का भी विकास हुआ कि हमें अपने देश का एक आईन चाहिए, एक कानून चाहिए, जिस कानून के द्वारा इस देश को गवर्न किया जाए, इस देश के लोगों का डेवलपमेंट हो। अंग्रेज भी हमारे देश पर शासन कर रहा था। अंग्रेजों के शासन करने का उद्देश्य एक्सप्लाइटेशन था, हमारा अहित था, जितने रिसोर्सेस थे सबका दोहन कर रहा था। हमें अपने कानून की जरूरत थी जिससे न केवल इस देश के रहने वाले लोगों के पास सिविल राइट्स हों, बल्कि इस देश के समाज का भी विकास हो। ऐसे में हमें कानून की जरूरत थी। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, तो उस आजादी की लड़ाई अगर भारत की जमीन पर लड़ी गई, तो दादा भाई नौरोजी जैसी पर्सनालिटी ब्रिटेन के मैदान में भी भारत की मांग को उठाया था। भारत के ऊपर, भारत के रहने वाले लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा था, उस शोषण से, उस जुल्म से, उस अत्याचार से ब्रिटिश लोगों को बताने की कोशिश किया। यानी भारत को लेकर ब्रिटिश अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश दादा भाई नौरोजी ने की, ब्रिटेन में रहकर। कांग्रेस के बैनर तले आजादी की लड़ाई, उसी काने कांग्रेस के बैनर में जितने बड़े बड़े हमारे नेशनल हीरो थे, उन नेशनल हीरो की भी अपनी सोच थी। और उस सोच में से मैं एक नाम आपको लूंगा, क्योंकि चर्चे का विषय हमारा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके थ्रू आज हम गवर्न होते हैं, जिसके थ्रू भारत सरकार आज हमारे ऊपर शासन करती है, जिसके थ्रू भारत सरकार पावर को भी लेती है, जिसके द्वारा भारत सरकार की सीमाएं हैं, जिसके द्वारा भारत सरकार एक तरफ दूसरे तरफ जनता के बीच रिलेशन को भी बताया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अनुसार बनाने के लिए, इस देश के लोगों के द्वारा बनाया जाए, इसके लिए हमने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। हंसते हंसते नौजवान सूली पर चढ़ जाते हैं, और ऐसे सूली पर चढ़ने की शुरुआत में पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। जिन्हें लोकमान्य की उपाधि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में मिली थी। लोकमान्य तिलक जैसा महारथी की भी ये सोच थी कि इस देश का एक आईन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा कौन? इस देश के लोग। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जैसा शख्सियत जिन्होंने मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया, 1888 में खुद इसके अकेले संपादक बन जाते हैं। ये वो तिलक हैं जिन्होंने 1893 में गणेश उत्सव, जिसे आज हमारे देश में मनाया जाता है लेकिन स्पेसिफिक रूप से बहुत आस्था के साथ मराठी लोग मनाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तू जल्दी आ, ये जैसी नारा का उद्घोष होता है। ये वो हमारे नेशनल हीरो हैं जिन्होंने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की। इसका मतलब यह कतई नहीं कि 1893 से पहले भारत में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता था, मनाया जाता था, लेकिन तिलक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस धार्मिक उत्सव को नेशनल मूवमेंट में बदल दिया। कहने का उद्देश्य, मेरा इंटेंशन क्या है कहने का, कि इस धार्मिक उत्सव में जो लोग शामिल होने आते थे,
उनके बीच तिलक देश की समस्याएं बताते थे, अंग्रेजों के जुल्म को बयान करते थे और उस अत्याचार से बचने का तरीका भी बताते थे। तो तिलक के बारे में यह कहा जाता है कि तिलक ने जिस गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में की, वो ऐसे पहले भारत के शख्स हैं जिन्होंने इस धार्मिक उत्सव को एक नेशनल मूवमेंट में बदल दिया। आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि इसी दौरान पूना में प्लेग की बीमारी फैली थी और प्लेग की बीमारी ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, संक्रामक बीमारी होती है। इस प्लेग की बीमारी के वजह से जितने वहां पर लोकल लीडर थे, स्थानीय नेता थे, सारे स्थानीय नेता मैदान छोड़कर भाग गए थे, लेकिन तिलक ऐसे नहीं थे। तिलक मैदान में डटे थे। पूना प्लेग कमेटी बनी, पूना प्लेग कमेटी बनी जिसका अध्यक्ष रैंड था, पूना का लेफ्टिनेंट था जिसका नाम आयस्ट था। उस पूना प्लेग कमेटी के साथ मिलकर तिलक जिस परिवार में प्लेग की बीमारी हुई थी, अन्य सदस्यों को प्लेग की बीमारी न हो जाए इसलिए जिस सदस्य को प्लेग की बीमारी हुई थी उसको अलग किया जा रहा था, अलग करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों के द्वारा परिवार के सदस्यों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जानवरों के जैसा सलूक किया गया, जिस पर तिलक नाराज हुए। और जब तिलक नाराज हुए तो उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक आपको शिवाजी के उद्गार, ये इसका शीर्षक मिलता है, शिवाजी के उद्गार। जो फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा का, तो आप देखिएगा उसकी हेडिंग मिलेगी शिवाजी के उद्गार। ये तिलक का लेख था शिवाजी के उद्गार। और इस शिवाजी के उद्गार नामक लेख में तिलक ने अफजल खां की हत्या को जस्टिफाई किया था। जब यह लेख प्रकाशित हुआ तो लोगों ने पढ़ा, संयोगवश उसी पूना में दो भाई थे जिन्हें इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। दो भाई थे, बालकृष्ण और दामोदर कृष्ण। इन दो भाइयों ने क्या किया, पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और जो पूना का लेफ्टिनेंट था आयस्ट, 1897 में हत्या कर दी, जिसे भारत की पहली राजनीतिक हत्या कहा जाता है, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडिया। किसने किया, चापेकर बंधुओं ने। ये वही तिलक है जिन्होंने लेख लिखा, उस लेख से प्रेरित होकर। अंग्रेजों का यह कहना कि न तिलक लेख लिखते न इनकी हत्या होती, इधर तिलक के द्वारा लेख लिखे जाने के पश्चात चापेकर बंधुओं के द्वारा भारत की पहली, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर, पहली राजनीतिक हत्या होती है। इस पहली राजनीतिक हत्या से पहले वह तिलक जो पूना में प्लेग की बीमारी से ग्रसित लोग थे उनके साथ मदद कर रहे थे, तो दूसरे तरफ 1895 में इन्होंने एक स्वराज्य बिल पेश किया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए भारत में पहली बार तिलक ने ही स्वराज्य विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की थी। फैक्ट्स है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में सबसे पहले किसने मांग की, तो तिलक ने की। किसके माध्यम से,
स्वराज्य बिल के माध्यम से, जिसे 1895 में पेश किया गया था। तिलक के पश्चात कहें या तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी कहें, तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी महात्मा गांधी को कहा जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तिलक के बाद गांधी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में उन्नीस सौ बाईस में एक बात कही, क्या भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, इसकी सफाई भी गांधी ने दी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होने से क्या आशय है। तो मेरा आशय सिर्फ इतना है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के संविधान को बनाया जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय जनता के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। गांधी जी के बाद हम स्वराजवादियों को देखते हैं, जो स्वराजवादी थे, स्वराजवादियों में सबसे प्रमुख नाम यहां पर मैं मोतीलाल नेहरू का ले रहा हूं, इन स्वराजवादियों की भी सोच थी कि जिस देश के आदर्शों, जिस देश के आकांक्षाओं, जिस देश के मूल्यों को कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है, वह कॉन्स्टिट्यूशन उस देश के रहने वाले लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान हम एक और घटना देखते हैं जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, साइमन आयोग कहते हैं, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में इस बात का प्रोविजन था कि 10 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की जाएगी कि भारतीयों को और किस सीमा तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था प्रोविंसेस में उसको और किस हद तक बढ़ाया जाए। तो 10 वर्ष के बाद इस भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन में जो राजनीतिक हालात थे उस राजनीतिक हालात में कंजर्वेटिव पार्टी की सोच कुछ और थी। 10 वर्ष का मतलब 1929 होता, 1919 से लेकर 1929 10 वर्ष, तो जो भी समीक्षा किया जाना था वो 1929 में होता या 1930 में होता, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने साइमन आयोग का गठन नवंबर 1927 में कर दिया। जब साइमन कमीशन का गठन किया गया नवंबर 1927 को, जिसमें 7 के 7 अंग्रेज थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये मेंबर थे, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि 7 पार्लियामेंट्रियन थे। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो हमने विरोध किया, हमने विरोध की कि हमारे लिए बहुत अपमान का विषय था कि जिस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स के कॉन्टेस्ट में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ है, क्या भारतीयों
में कोई भी एक ऐसा भारतीय नहीं था जिसके अंदर इतनी योग्यता हो जिसमें जिसको इस साइमन कमीशन में शामिल किया जाए। यह हमारे भारत का अपमान नहीं तो क्या था? जिस पर जवाब मिला था, ब्रिटिश सरकार ने जवाब दिया, जो राज्य सचिव था जिसको लाल बर्कनहिट बोलते हैं, उसने सफाई दी कि भारत में बहुत से राजनीतिक दल हैं, किस राजनीतिक दल के सदस्य को इसमें शामिल किया जाए विवाद होगा। लेकिन वाकई में तुम अगर ईमानदार होते तो भारतीय राजनीतिक दल के सदस्यों को इसमें शामिल न करते, लेकिन दो ऐसे भारतीय थे जो उस वक्त हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे, उन दोनों को इसमें शामिल किए होते। लेकिन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे साइमन आयोग कहा जाता है, भारतीय वैधानिक आयोग उसका सही नाम है, इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। नतीजा यह निकला कि हमने विरोध करने का फैसला किया। तब लाल बर्कनहिट ने चैलेंज किया कि आप भारतीयों को, हम एक चुनौती देते हैं कि आप एक सर्वसम्मत संविधान बनाए जिस पर सबकी सहमति हो। लिखता है कि हमने उस चैलेंज को स्वीकार की और गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1928 का वर्ष, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात की गई। दुर्भाग्य देखिए कि जिस वक्त मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसी समय जिन्ना का 14 सूत्रीय, जिन्ना में इसके रिएक्शन में 14 सूत्रीय सिद्धांत दे दिया। नतीजा यह निकला कि सांप्रदायिक वजह से मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पर सर्वसम्मत नहीं बन सकी। जब उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, जिसका काम था भारत के संविधान को बनाना, हम उसके तरफ जब निगाह डालते हैं तो इन स्वराजवादियों, विशेष तौर से मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के बाद से हमें जो नाम मिलता है वो नाम है M.N. राय का। बहुत बड़े नव मानववादी विचारक गुजरे हैं M.N. राय। ये वो M.N. राय हैं, मानवेंद्र नाथ राय, जिनकी लेनिन से दोस्ती थी, लेनिन से मित्रता थी। यही M.N. राय भारत के पहले ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्मली, औपचारिक रूप से संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार प्रतिपादित किया। कभी भी सवाल पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो आइडियाज था वो किसने दिया? M.N. राय ने दिया। M.N. राय ने यह बात कही कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी भारत के संविधान को कौन बनाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगी। यह विचार सबसे पहले किसने ओरिजिनेट की? M.N. राय ने। M.N. राय ने यह बात कही कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा होना चाहिए। M.N. राय के इस विचार को लोकप्रियता जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान की। 1936 का फैजपुर अधिवेशन, उस फैजपुर अधिवेशन में भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की बात
जिसे एमएन राय ने की थी, नेहरू ने उसे एकदम पॉपुलैरिटी के चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस घटना के बाद अपने देश में भी रणनीति पे बहस, जिसको हम त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं। इधर त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जोरदार लड़ाई चल रही थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरे तरफ पट्टाभी सीतारमैया थे। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महारथी अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के समझौता करने के विरोधी थे। उनकी सोच आर पार की थी। उनकी यह सोच थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जहां एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका बाद में शामिल हुआ पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद, सोवियत संघ भी बाद में शामिल हुआ। तो शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे और उनके ऊपर हिटलर जैसे तानाशाह की शक्ति भारी पड़ रही थी। ऐसे में भारतीयों का सहयोग जरूरी था। सुभाष चंद्र बोस का यह कहना कि ब्रिटेन तानाशाह है, भले वहां पर डेमोक्रेसी है लेकिन तानाशाह वो भी है, वो हमारा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन के ऊपर अगर मुसीबत आई है तो हमें इस मुसीबत का फायदा उठाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तुरंत आंदोलन की घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन गांधी जैसे लोगों की यह सोच नहीं थी। उनकी यह सोच थी कि अगर हम तुरंत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर देंगे तो सरकार सत्ता के नशे में दमन पर उतारू होगी और पूरे आंदोलन को कुचल कर रख देगी। और निश्चित रूप से गांधी की यह सोच सही साबित होती है। अब आप देखेंगे कि इधर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और पहली बार ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव 1940 ब्रिटिश सरकार पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा यह घोषणा कर दी क्या कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे। याद करें कि वह अंग्रेजी शासन जिसकी शुरुआत हम बक्सर युद्ध के बाद से कहें, 1765 से लेकर 1940 तक का इतिहास देखिए कितने वर्षों के बाद। 1940 अगस्त प्रपोजल में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ऑफिशियली यह प्रस्ताव लाई कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाएगा, भारत के लोग बनाएंगे। अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर खतरा बढ़ते चला जा रहा था। यूरोप की राजनीति बहुत तेज बदल रही थी। यूरोप का बहुत बड़ा देश है फ्रांस, जिसको कहते हैं, फ्रांस को 24 घंटे के अंदर हिटलर ले लेता है, वहां पे कठपुतली सरकार बन जाती है। सोच लें आप, बेल्जियम जैसे देश को ले लिया वो, चेकोस्लोवाकिया का अंग भंग कर दिया, ब्रिटेन जैसे देशों पर आक्रमण कर देता है हिटलर। तो जब अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत आने लगी, ब्रिटेन के ऊपर मुसीबत वाकई में आने लगी, तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा, अंतरराष्ट्रीय दबाव जिसको बोलते हैं। अमेरिका जैसे देशों का ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा, चीन जैसे देशों का ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ा कि अगर ऐसे वक्त में हम भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे, भारतीयों से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, तो संभावना इस बात की होगी कि हम हार जाएंगे। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ब्रिटेन की सरकार भारत में 1942 को एक क्रिप्स मिशन भेजा
और बहुत हास्यास्पद आपको लगेगा, उस क्रिप्स मिशन की तो बहुत सी बातें, एक नहीं बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिखावा था। और वो दिखावा क्या था आप खुद देखें। क्रिप्स मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन 1942, भारत के संविधान को बनाने के सिलसिले में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, इसलिए उसी विषय को यहां पर मैं ला रहा हूं। क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट, कि भारत के संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगी। तो बहुत अच्छी बात थी, यही तो हमारी मांग भी थी कि भारत के संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, अंग्रेजों के द्वारा ना बनाया जाए, इस देश के लोगों के द्वारा बनाया जाए। जब क्रिप्स मिशन ने यह बात कही कि भारत के संविधान को एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब आप लोग देखें, इसमें समय का कोई उल्लेख नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बाद का मतलब कब? 1945, 1946, 1947, 1948 या 2020, समय का कोई उल्लेख नहीं था। हमें जरूरत थी तुरंत बनाने की, और तुमने बनाने की बात कही, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कब, यह बात स्पष्ट नहीं थी। नतीजा यह निकला कि इस क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक और सरदार पटेल ने आउट डेटेड चेक कहकर रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को पोस्ट डेटेड चेक, तो सरदार पटेल भी उनसे कम नहीं, आउट डेटेड चेक कहकर अस्वीकार कर दिया। पोस्ट डेटेड चेक का अर्थ आपको मालूम होगा, पानी के सिलसिले में मैं बताऊं कि बहुत तेज प्यास लगी है, और आप हमसे कहें कि प्यास आपकी तो लगी है सही है, और मैं आपको कल गंगा पानी पिलाऊंगा। प्यास अभी लगी है और कल पिलाने की बात कर रहे हैं। पोस्ट डेटेड, जरूरत अभी है, तुम बाद में देने की बात कर रहे हो। नतीजा यह निकला कि क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, और जब क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया, तब अब पूरे के पूरे कांग्रेस की बागडोर गांधी के हाथों में थी, गांधी के हाथों में थी। गांधी कुछ लोगों को चुनते हैं, और जिन लोगों को चुनते हैं उनको यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि जाओ गांव के तरफ, जाओ गांव के तरफ, जाओ शहर से गांव के तरफ जाओ, और लोगों को यह मैसेज कन्वे करो कि सेकेंड वर्ल्ड वार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। वह देश जो स्वयं अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वह दूसरे देश के लोकतंत्र के बारे में कैसे लड़ाई लड़ेगा? वह ब्रिटेन के साथ मिलकर कैसे लड़ाई लड़ेगा? जो देश स्वयं आजाद नहीं, वह अपने साम्राज्यवादी देश के साथ समर्थन कैसे करेगा? यह पूरा का पूरा मैसेज शहर से जाओ, गांव के लोगों को बताओ। गांधी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी थे, और यह भी कहा कि जब गांव के लोगों को यह मैसेज कन्वे करो, तो गांव से सीधे दिल्ली की ओर रुख करो, जिसकी वजह से इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, जिसे आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े पर्सनालिटी को गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। इन सारे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई, और इन लोगों ने, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रहियों ने, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी से किया।
जब ये लोग मैसेज को कन्वे कर दिए तो गांधी को कुछ चाहिए नहीं था, गांधी सिर्फ ये जानना चाहते थे कि जनता को जो ये संदेश दिया गया है, जनता इस पर रिएक्ट क्या कर रही है, जनता इस पर व्यक्त क्या कर रही है, और जनता के द्वारा व्यक्त किए गए प्रतिक्रिया से गांधी रूबरू हो गए। गांधी जी को यह बात मालूम हो गई और गांधी के हाथ में कांग्रेस की बागडोर। अब आपको कुछ मैं चीजें बता रहा हूं कि वह गांधी जो भारत में आते हैं साउथ अफ्रीका के बाद, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के कथनानुसार वो पूरे देश का दौरा करते हैं, विशेष तौर से गुजरात का दौरा करते हैं, और दौरा करने के दौरान उन्होंने क्या पाया कि इस देश के रहने वाले लोग पॉलिटिकली अवेयर नहीं हैं। आजादी को पाया कैसे जाए, पाने का तरीका क्या होना चाहिए, मींस कौन से होना चाहिए, इस देश के लोगों को कुछ मालूम नहीं है। तब गांधी ने यह बात कही कि मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग कीजिए, कोऑपरेट करिए। लोगों ने कहा कि कैसे हम उसके साथ सहयोग करें, तो अस्पष्ट कथन गांधी का कि ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाइए, रिकमेंड सार्जेंट उनको कहा जाने लगा, सैनिक भर्ती करने वाला गांधी को कहा जाने लगा। आंदोलन में एक ऐसा दौर आया जब गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग किया था, लेकिन आंदोलन का दूसरा पड़ाव भी आपके सामने, चंपारण सत्याग्रह से उत्साहित, अहमदाबाद मिल मजदूरों की लड़ाई जीत चुके थे, खेड़ा में किसानों की लड़ाई को वो फतह कर चुके थे, दूसरी पड़ाव थी आंदोलन की, और वह पड़ाव किसी और को लेकर नहीं, रौलट एक्ट को लेकर था। सर सिडनी रौलट अंग्रेज था जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर कोई भी भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नफरत की भावना भारतीयों में पैदा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार के कानून की जरूरत होगी, इसी पर सर सिडनी रौलट को अपनी रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट दिया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रौलट एक्ट पास हुआ। निश्चित रूप से रौलट एक्ट हम कहते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक नाम है वह रौलट एक्ट नहीं है, द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, हिंदी में इसको कहते हैं अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पास हुआ तो गांधी ने यह बात स्पष्ट कहा कि यदि रौलट एक्ट को वापस नहीं लिया जाता तो मैं 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा करूंगा। इसी कानून के खिलाफ गांधी विरोध करते हुए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम पड़ता है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी शामिल होते हैं। जो सवाल आप लोगों से पूछा भी है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी कब शामिल हुए, रौलट एक्ट के खिलाफ। अंग्रेजों ने रौलट एक्ट को वापस नहीं लिया, देश के तमाम भागों में इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा, पंजाब जैसे शहर में भी हुआ। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो क्रांतिकारी साथी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये विरोध प्रदर्शन करने वालों को लीड कर रहे थे, सरकार ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। बैसाख पूर्णिमा का दिन था जिसमें महिलाएं भी गई थी, बच्चे भी गए थे, मेला लगा था। 13 अप्रैल 1919 को कोई चेतावनी नहीं, गोली चलाने का आदेश, ऑफिशियली जो आंकड़ा मिलता है उसे आप जानते होंगे कि 379 लोग मारे गए। अनऑफिशियल जो डेटा है वो ये बताता कि अधिकांश लोग मारे गए, लाश के ऊपर लाश थी, कुएं में केवल लाश बच्चों की या महिलाओं की पड़ी हुई थी। पूरे देश में रोष था, पूरा गुस्सा था, नमक पर जले पर नमक छिड़कने जैसी घटना देखी आप। रौलट एक्ट कह रहा हूं, जलियांवाला बाग नरसंहार होता, उस नरसंहार की जांच करने के लिए जब दबाव पड़ा तो जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया 1919 में, और उस हंटर समिति ने जानते हैं क्या किया,
जनरल ओडायर को निर्दोष घोषित कर दिया। यह बहुत बड़ा अपमान था। नतीजा यह निकला कि गांधी जैसे व्यक्ति जिसने फर्स्ट स्टेप में ब्रिटिश हुकूमत के साथ असहयोग की घोषणा किया था, असहयोग आंदोलन लेकर चले आए। असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश हुकूमत से हम असहयोग करेंगे। स्कूलों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी को अपनाने की बात, खादी को अपनाने की बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात, अस्पृश्यता के अंत की बात, महिलाओं के सम्मान की बात गांधी करने लगे। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा गया, कर अदा न करना भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं था, दो चीजें इसमें शामिल नहीं थी। असहयोग आंदोलन चलने लगा, यह सेकेंड फेज था। तीसरे फेज में आप देखेंगे, जब मैंने साइमन कमीशन की बात की, कि वह साइमन कमीशन देश के विभिन्न भागों में गया था, एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था, यह भी हमारा अपमान था, इसलिए हमने विरोध करने का फैसला किया। और जहां जहां देश में गया, देश के किसी भी भाग में गया, हमने विरोध करने का फैसला किया। साइमन गो बैक। लखनऊ अवध जैसे शहर में भी जाता है, उसका विरोध किया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट खलीकुज्जमा पूरे लखनऊ में विरोध किया, विरोध का एक नया तरीका, उसने पूरे लखनऊ शहर में गुब्बारे उड़ाया था और प्रत्येक गुब्बारे पर लिखा था साइमन वापस जाओ। ऐसे नौजवान भी हमारे देश में मौजूद थे। दूसरी तरफ लाठीचार्ज हुई, गोविंद बल्लभ पंत को गहरी चोट आई और अपाहिज भी हो गए। वह साइमन कमीशन दौरा करते हुए पंजाब भी जाता है। अब पंजाब में उसके विरोध का नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि पंजाब केसरी हुआ करते थे। पंजाब केसरी ने विरोध किया, नतीजा लाठियां चली, उनके सीने पर गंभीर चोट लगी और हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। छोड़कर गए लेकिन अमर हो गए, शहीद। वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, वतन पर मिट गए। जब पंजाब केसरी की मौत हुई लाठीचार्ज में, तो एनसीईआरटी लिखता है कि पंजाब केसरी की मौत पंजाब के नौजवानों के मर्दानगी को चैलेंज था, उनके पौरुषत्व को चैलेंज था। और इस चैलेंज को पंजाब के नौजवानों ने स्वीकार किया, जिसमें नाम भगत सिंह का, सुखदेव का, रोशन सिंह का, राजेंद्र लाड़ी, राजगुरु का नाम आता है। और नतीजा यह होता है कि जिस लार्ड सैंडर्स ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, उसकी हम हत्या कर देते, मार डालते। देश आक्रोश से पूरी तरह उबल रहा था, तब गांधी ने फिर कमर कसी। अब कहा कि अब ना तो हम तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे ना असहयोग करेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी 1930 में। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च जिसे आप कहते हैं। यहां पर मैं आपके सामने 1942 की घटना बता रहा हूं। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों को गांधी भेज चुके थे और जो उनको मैसेज मिलना था वो मिल चुका था, और मैसेज का विश्लेषण गांधी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। तब गांधी ने कहा कि ये वो दौर है जब ना तो हम ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग करेंगे, ना तो असहयोग करेंगे, ना उसके कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। अगर इस वक्त बात होगी तो अंग्रेजों से सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं पूरे देश के रहने वाले लोगों को एक मंत्र देता हूं, डू आर डाई, करो या मरो। आपको मालूम होगा कि जब गांधी ने किट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल लाया तो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में विरोध भी हुआ। तो वह अहिंसा का पुजारी रणनीति में बदलाव करते हुए धमकी भी दे डालता है कि यदि मेरे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार न किया गया तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। देश के लोगों से गांधी का आह्वान कि डू आर डाई, करो या मरो, या तो तुम इस देश को आजाद कराओगे या मर जाओगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे ही शुरुआत हुई, सारे के सारे नेता, अधिकांश बड़े बड़े जो नेता थे, वो सब अरेस्ट कर लिए गए, जिसके वजह से इसे जीरो आवर ऑपरेशन भी कहा गया। कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, रेडियो का संचालन भी किया। वक्त बीता, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ,
पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको मालूम होगा कि सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अगर उसे बहुमत है तो। ब्रिटेन में इलेक्शन, और उस इलेक्शन में लेबर पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो जाती है, विंस्टन चर्चिल की हार हो जाती है। लेबर पार्टी को लीड करता है यानी प्रधानमंत्री के रूप में कौन? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली लीड करता है। और जब क्लीमेंट इटली कि सरकार वहां पर बन जाती है तो आपको मालूम होगा कि 15 मार्च 1946 को यह बात कही गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हमें बहुसंख्यकों के हितों की चिंता है, अल्पसंख्यकों के हितों की चिंता है, किंतु हम बहुमत की प्रगति रोकने के लिए अल्पसंख्यकों को मैं वीटो पावर नहीं दे सकता। यह एक पॉजिटिव अप्रोच था। इस दौरान हमारे देश में जो राजनीतिक गतिरोध था इस राजनीतिक गतिरोध को दूर करना बहुत बड़ी सख्त जरूरत बन गया था कि इस राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जाए और भारत के संदर्भ में कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन को भी यह भय लग रहा था। ऐसा नहीं है कि यह शौकिया कोई अगला स्टेप उठा रहे थे, हालात ऐसे बन गए थे ब्रिटेन के सामने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस, आप जानते हैं कि जब विश्व युद्ध होता है तो क्राइसिस का भी दौर होता है, महंगाई जोरों पर होती है, सैनिक मारे गए होते हैं, लोगों में रोष होता है, तो बहुत से हालात थे। उधर सोवियत संघ के द्वारा अपने उपनिवेशों को आजाद करना भी एक बहुत बड़ी घटना कही जाती है, जिसकी वजह से इन देशों के ऊपर दबाव भी पड़ा। तो ऐसे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए इस लेबर पार्टी की सरकार ने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के गठन की घोषणा कर दी है। और इस कैबिनेट मिशन से आप देखेंगे यूपीएससी में बहुत सवाल पूछे गए। इस क्लीमेंट इटली की सरकार ने यानी लेबर पार्टी की सरकार ने कैबिनेट मिशन को बनाने की घोषणा कर दी। सदस्य 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ऐसे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व तो किसने किया? पैथिक लॉरेंस ने किया। कैबिनेट मिशन का जब गठन हो गया तो यह कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को यह भारत आया, भारत में दिल्ली आया। आने के बाद जितने भी हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने भी भारत में राजनीतिक दल थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, कैबिनेट मिशन ने उन राजनीतिक दलों के साथ नेगोशिएशन की, बातचीत की, और अंततः 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
सारे के सारे राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद इस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या है उसकी रिपोर्ट, दो भागों में मैं बांटकर कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चर्चे का मेरा जो विषय है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग है। इसलिए हम कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट को दो भागों में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वह कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आया, सारे राजनीतिक दलों से बातचीत की और अंततः 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी। क्या थी इसकी रिपोर्ट, हम एक एक करके इसकी 7-8 रिपोर्ट है, बहुत से रिपोर्ट हैं जिस पर चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट में शामिल बात को छोड़ना कंपटीशन के लिए बेहतर नहीं। पता चले कि इसकी, मान लें कि 10 रिपोर्ट है, रिपोर्ट में 10 बातें हैं, उन 10 में से मैं 8 को बताऊंगा, 2 छोड़ दूं, तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, जिसको हम छोड़े वही पूछ दे तो सारा का सारा मेहनत हमारा बेकार चला जाता है। इसलिए हम इसकी सारी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यह भी आप देखेंगे कि इतना बड़ा झटका होने के बाद भी मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। क्यों किया था, उसके अपने वजह थे। इस कैबिनेट मिशन की पहली रिपोर्ट कि इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी। दूसरी रिपोर्ट, भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन की स्थापना की जाए, भारत में एक फेडरल गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया जाए जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगे, इस कैबिनेट मिशन की दूसरी रिपोर्ट कि भारत में एक संघीय शासन का गठन किया जाए जिसमें कौन शामिल होगा, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और ऐसे ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 11 थी, और देशी रियासतें शामिल होंगी। तीसरी रिपोर्ट, संघ को विदेश, फॉरेन, प्रतिरक्षा, डिफेंस और कम्युनिकेशन, संचार का विषय दिया जाएगा और शेष विषय प्रांतों के पास होंगे।
शेष विषय प्रांतों के पास होंगे। देखिए यह रिपोर्ट भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पेपर हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि संघ को कौन सा विषय दिया गया, विदेश, दूसरा प्रतिरक्षा, तीसरा कम्युनिकेशन। यानी जिस फेडरल गवर्नमेंट को बनाने की कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट में अपनी कही थी, उस फेडरल गवर्नमेंट में संघ को सिर्फ तीन विषय देने की बात की गई और शेष सारे विषय किसके पास होंगे, तो प्रांतों के पास होंगे। और तो और चौथी बात आप देखें, रेसिडेंसरी पावर, अवशिष्ट शक्ति प्रांतों के पास। प्रांतों के पास होगी रेसिडेंसरी पावर, प्रांतों के पास होगी। कितना हास्यास्पद लग रहा है, यानी जिस भारत के कॉन्टेस्ट में कैबिनेट मिशन को हम एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, जब उसके हम इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को देखते हैं तो लगता है कि कितना हास्यास्पद बात होगी। जिस संघ को उसने तीन विषय देने की बात की, शेष सारे विषय प्रांतों को, आपको लग रहा होगा कि संघ की तुलना में जो प्रोविंसेस हैं ज्यादा पावरफुल है। रही सही कसर रेसिडेंसरी पावर के रूप में दे दिया कि रेसिडेंसरी पावर वेस्टेड इन प्रोविंसेस, क्या उसे शक्ति प्रांतों के पास होगी। यानी जिस संघ को बनाया जा रहा था वह संघ बेहद कमजोर था, किसके कंपेयर में, प्रांतों के कंपेयर में। अब आप बताइए कि जब प्रांत मजबूत होते तो क्या आज हमारा भारत जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो राज्यों का संघ है, क्या यह भारत ऐसे दिखता हमें। परिवार को एक रखने के लिए जरूरी होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य को परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, जिससे परिवार बिखर ना पाए, परिवार हमारा डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इन्होंने एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की जिस भारत में जो प्रांत होंगे वह प्रांत संघ से ज्यादा मजबूत होंगे, भारत से ज्यादा मजबूत होंगे। तो जब प्रांत भारत से ज्यादा मजबूत होंगे तो वह संघ की बात सुनेंगे क्यों, वो भी भारत के जैसे आजादी की घोषणा करेंगे। एक भारत नहीं कई भारत होता है। पांचवी रिपोर्ट आप देखें, प्रांतों को अपने अलग अलग समूह बनाने का अधिकार होगा। इतना ही नहीं कि संघ की तुलना में प्रांतों को इन्होंने मजबूत किया, अवशिष्ट शक्ति भी प्रांतों की दी। हद पार तब हो गई कि प्रांतों को यह फैसिलिटीज भी दे दी गई कि वह अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं। और इस कैबिनेट मिशन में तीन समूह बनाया भी गया, समूह ए यानी ए ग्रुप। अब ए ग्रुप में देखिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बंबई को रखा गया। यानी छह प्रांतों को एक समूह में रखा गया, ए ग्रुप में रखा गया, बी ग्रुप, बी समूह, बी समूह में तीन प्रांतों को रखा गया, पंजाब, सिंध और पश्चिम उत्तर प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रांत। आखिरी ग्रुप जो सी ग्रुप, उस सी ग्रुप में असम और बंगाल को रखा गया।
यह कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट। मैंने आपसे कहा कि कैबिनेट मिशन को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य कि कैबिनेट मिशन से संबंधित कोई भी रिपोर्ट पूछे तो हम प्रारंभिक परीक्षा में उन सवालों का जवाब दे सके। पढ़ाने का थीम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब हम उसके तरफ जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज कि कैबिनेट मिशन ने जो छठी रिपोर्ट अपनी दी, कैबिनेट मिशन की जो छठी रिपोर्ट, और वो छठी रिपोर्ट किसके संदर्भ में था कि जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ना हो जाए, इन्फोर्स ना हो जाए, तब तक इस देश की बागडोर संभालेगा कौन। इसी सिलसिले में कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट थी क्या कि एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यानी जब तक भारत का संविधान बनकर लागू ना हो जाए तब तक इस देश की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी, इंटरिम गवर्नमेंट्स की। उसी कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा कि इस अंतरिम सरकार में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कार्यकारी परिषद होगी। इस कार्यकारी परिषद का सभापति चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन था और उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। पूरा खाका तैयार था। ऐसे अंतरिम सरकार को बनाने के संदर्भ में बहुत गतिरोध था। हमने तो अस्वीकार किया, हमने अस्वीकार कर किया का मतलब यहां पर होता है कांग्रेस ने। लेकिन जब लॉर्ड विवल से इस अंतरिम सरकार के गठन पर मुस्लिम लीग ने पहल की तो लॉर्ड विवल ने रिजेक्ट कर दिया। अंततः नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन पर अपनी सहमति दी और इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को इस इंटरिम गवर्नमेंट्स का गठन किया गया जिसमें कितने सदस्य थे तो 14 थे। 14 सदस्य थे। इन 14 सदस्यों के बारे में आपसे अनेकों बार सवाल पूछा गया है, चाहे पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे यूपीएससी में पूछा जरूर गया। वो 14 सदस्य कौन थे, आइए देखते हैं कि अंतरिम सरकार में शामिल वो 14 सदस्य कौन थे। अंतरिम सरकार में शामिल जो 14 सदस्य थे वो कौन थे, देखिए, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, लियाकत अली, अब्दुल रब नश्तर, गजनफर अली खान, जग जीवन राम, सी राज
गोपालाचारी, अरुणा, आसफ अली, योगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंद्रिकर, सी एच भाभा, और एक और नाम है जान मथाई, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम यहां पे मैं लिख देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। जाहिर सी बात है कि जब ये 14 सदस्य थे तो किसी न किसी मंत्रालय, किसी न किसी पद को धारण किए होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी जानिए, इन 14 के बारे में जानिए कि अंतरिम सरकार में ये सारे के सारे सदस्य जो शामिल थे, इन्होंने किस पद को धारण किया था। तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री भी थे, इस पद को भी धारण किया था। राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधित्व करता भी थे, यानी राष्ट्रमंडल देशों में भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी भी इसी इन्हीं को सौंपी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाले हुए थे। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब नस्टर संचार मंत्री। गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। और वह आसफ अली रेल मंत्री। योगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री। चुंद्रिकर कॉमर्स मिनिस्टर थे, वाणिज्य मंत्री। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री। सी एच भाभा खनन मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। यानी अंतरिम सरकार में ये 14 सदस्य क्या स्टेटस था मैंने आपको बताया। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को,
तो उस 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई, तब सदस्यों की संख्या 11 थी। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी जब इंटरिम गवर्नमेंट्स में शामिल हो गई तो सदस्यों की संख्या 14 हो गई। इधर अंतरिम सरकार का गठन होता है तो दूसरे तरफ, यानी मैं आपसे कहा था कि कैबिनेट मिशन की सारी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा और उन सारी रिपोर्ट के बारे में मैंने आपके बीच चर्चा भी किया, तो दो रिपोर्ट को दो भागों में मैंने बांटा। एक रिपोर्ट तो यहां तक आई, अब दूसरी रिपोर्ट, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि आजादी की लड़ाई के दौरान हमने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी। हमारी अपनी सोच थी कि हमारे नेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रत्येक देश के उद्देश्यों आदर्शों को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो आजादी की लड़ाई के दौरान भी हमने यह बात कही कि इस देश को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा कौन? भारत के लोग। तो इस कैबिनेट मिशन की आखिरी रिपोर्ट कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाए। अभी संविधान सभा पर मैं कल चर्चा करूंगा। थैंक यू। की रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट जितनी थी वो सारी की सारी रिपोर्ट मैंने आपके सामने चर्चा किया। अब मैं उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहा हूं जो वाकई में हमारा टॉपिक है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हम उस पर आ रहे हैं। तो ऐसा कैबिनेट मिशन जिसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दी, उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एक संविधान सभा का गठन किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया जाए। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो कार्य होंगे। उस कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में यह बात थी क्या कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो कार्य होंगे, कौन कौन? पहला, भारतीय संविधान का निर्माण करना, मेकिंग ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा, अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना, वर्किंग एज ए इंटरिम पार्लियामेंट। इसके बारे में आप जानिएगा कि ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसने भारत के संविधान को बनाया, जब भारत का संविधान बन गया तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने के मेंबर्स जो थे 24 जनवरी 1950 को अपने आप को इंटरिम पार्लियामेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर लिए थे। तो इस संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो कार्य, पहला भारत के संविधान को बनाना और दूसरा कि जब तक संसद का गठन न हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करे, जिसको हम ये कह सकते हैं वर्किंग एज ए इंटरिम पार्लियामेंट। यूपीएससी में भी सवाल पूछा है और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में भी ये सवाल पूछा है कि संविधान सभा का गठन
यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इस संविधान सभा का गठन किसकी रिपोर्ट पर किया गया? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पर किया गया। यह बहुत बार सवाल पूछा गया होगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। दूसरा सवाल आसान सा कि भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया। यह भी सवाल पूछा गया है। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं कि जिस कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन की बात की गई, जिसका काम था, सबसे महत्वपूर्ण काम था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उस संविधान सभा की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कह दूं जो कॉन्सेप्चुअल है कि भारत का संविधान किसी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, भारत का संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय का परिणाम है। यानी भारत का संविधान किसी राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि भारतीय जनता के मान्य प्रतिनिधियों की निकाय। तो भारतीय जनता के मान्य प्रतिनिधियों का निकाय कौन था? यही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इस स्ट्रक्चर के बारे में कि ऐसे संविधान सभा में कुल कितने सदस्य, बहुत इंफॉर्मेटिव ये सब बातें हैं। 389 कुल मेंबर्स 389 थे। अब सवाल यह है कि 389 सदस्य आएंगे कहां से? तो ये 389 आएंगे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा और कहां से आएंगे? प्रोविंसेस ऑफ चीफ कमिश्नरीज, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। तीसरा, देशी रियासतों से, ब्रिटिश भारत के जो प्रोविंसेस थे उनकी संख्या 11 थी, और जो चीफ कमिश्नरीज के प्रांत थे वो कितने थे? 4 थे। ये 4 थे, कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर जो मरवाड़ में पड़ता था, तीसरा बलूचिस्तान, और चौथा कुर्ग। ये 4 चीफ कमिश्नरीज के प्रांत थे। मुख्य आयुक्त के प्रांतों की संख्या 4 थी। आप जब यूपीएससी के पेपर को हल करेंगे देखिएगा, यह सवाल भी हमसे पूछा है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या 11 थी, मुख्य आयुक्त के कितने प्रांत थे? 4 थे, वो भी लिखा, देशी रियासतों से आते, देशी रियासत गवर्न्ड बाई राजा महाराजा एंड रानी महारानी, यानी जहां का शासन राजा महाराजा करते थे, रानी महारानी करती थी, उन्हीं को देशी रियासत कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों से कितने मेंबर आते? 292। मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4, देशी रियासतों से 93 आते। अब इसमें कुछ बातें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जो कैबिनेट मिशन में प्रोविजन किया गया, वो प्रोविजन क्या कि प्रत्येक प्रांत को जो स्थान निर्धारित किए गए थे कि 389 आएंगे, 389 में से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से और 93 देशी रियासतों के, सबके लिए एक ही मापदंड था कि प्रत्येक
प्रांतों से व देशी रियासतों से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया। यानी वो चाहे देशी रियासतों से सदस्य आएंगे या मुख्य आयोग के प्रांतों से सदस्य आएंगे या ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, एक सदस्य कितने पॉपुलेशन पर आएगा तो 10 लाख के पॉपुलेशन पर निर्धारित किया गया कि 10 लाख के पॉपुलेशन पर एक सदस्य आएगा। एक फैक्ट्स हुआ। दूसरी बात कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित स्थानों को प्रत्येक प्रांत को आवंटित स्थानों को उसमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को आवंटित स्थान, यानी जिस प्रांत को जितने स्थान आवंटित किए गए दिया गया, वह उस प्रांत में निवास करने वाले प्रमुख जातियों के आधार पर निर्धारित किया गया। और ऐसे में तीन प्रकार के वोटर्स आपके सामने बने, एक साधारण, दूसरा मुसलमान और तीसरा सिख। सिख केवल पंजाब के लिए यह बनाया गया। अब इसके बारे में कि जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा तो संविधान सभा के सदस्य क्या करेंगे, जो भी वर्ग होगा वो क्या करेंगे, पहले प्रांतों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे अपने वर्गों के लिए, उसके बाद एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, वो बात की बातें हैं। अब पहले हम स्ट्रक्चर पा जाए कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसको बनाया जाए उसमें कुल कितने मेंबर होंगे, तो 389 होंगे। पूछने वाला पूछेगा कि ये आएंगे कहां से, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, और कहां से, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, देशी रियासतों से। ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4, देशी रियासतों से 93। अब आएंगे कैसे, यह बहुत बड़ी चर्चे का विषय था। तो इस चर्चे का एक समाधान कि देशी रियासतों से वार्ता समिति, वार्ता समिति में कौन होगा, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो होंगे, और देशी रियासतों से जो सदस्य होंगे वो वार्ता समिति में, देशी रियासतों के जो राजा महाराजा थे वो वार्ता समिति में शामिल होंगे, और इसी वार्ता समिति से विचार विमर्श करके, विचार विमर्श के बाद वो देशी रियासतों से सदस्य आएंगे। तो मैं कह सकता हूं सीधे सीधे एडवाइस की परामर्श के द्वारा, देशी रियासतों से 93 सदस्य कैसे आते, मैं कह सकता हूं परामर्श के द्वारा। किसके परामर्श, वार्ता समिति के परामर्श के द्वारा। शेष बचे के कितने, 296। अब ये 296 यानी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से जो कुल संख्या होती है 296, इनके लिए क्या कहा गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा, आएंगे कैसे, इलेक्ट होकर। तो इलेक्ट यानी निर्वाचन के, इलेक्शन के टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसमें यह बात कही गई
कि संविधान सभा में 296 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होगा। वजह उसका समय नहीं था। डायरेक्ट अगर इलेक्शन होता तो निश्चित रूप से उसमें जनता इन्वॉल्व होती, मतदाता जो होते वो इन्वॉल्व होते और उसमें ज्यादा समय लगता है और समय का अभाव था। इसलिए फैसला हुआ कि 296 सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होने का मतलब जनता नहीं करेगी, तो करेगा कौन? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा यह सवाल है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसने किया, तो संविधान सभा के सदस्यों ने किया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया। यानी संविधान सभा के ये जो 296 सदस्य थे इनका निर्वाचन किसने किया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया। अब निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुआ। निर्वाचन की प्रणाली देखिए कि इनके लिए निर्वाचन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई। दो सौ छियानवे सदस्य निर्वाचन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, तो निर्वाचन किया किसने? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। निर्वाचन के लिए इलेक्टोरल सिस्टम कौन सी अपनाई गई, यानी निर्वाचन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई, निर्वाचन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो पूरे विश्व में आप देखेंगे जनरली निर्वाचन की प्रणाली तो बहुत होती है, इलेक्टोरल सिस्टम बहुत होते हैं, लेकिन सामान्यता अगर हम बात करें तो निर्वाचन की प्रणाली एक ये होती है, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, टेरिटोरियल इलेक्टोरल सिस्टम, और दूसरा होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, ये सामान्यतः दो प्रकार के निर्वाचन प्रणाली। अब आप देखेंगे कि प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में, यानी इस टेरिटोरियल इलेक्टोरल सिस्टम में, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में कौन जीतेगा? जो सबसे अधिक मत प्राप्त करे, यानी प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में वही जीतेगा जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है। इसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट के रूप में भी जानते हैं। आएगी वो विषय आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में अगर चार कैंडिडेट हैं, सोचें आप कि चार कैंडिडेट हैं, पांच हैं, दस हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए इसको मिला 20,000 वोट, इसको मिला 19,999 वोट, ये 15,000, 5,000, तो प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में कौन जीता? जो सबसे अधिक वोट पाया। अब इसमें जीतेगा कौन? तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। आज आप देख रहे होंगे कि जितने भारत में राजनीतिक दल हैं, जब टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, तो पहले कास्टिज्म के आधार पर कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं जहां पर उसके जाति की संख्या ज्यादा हो। तो किसी एक जाति की संख्या अगर ज्यादा है मेजॉरिटी में, तो इसे यह साबित नहीं होता कि दूसरे जातियां नहीं है।
तो जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसके उसको टिकट दे दिया, वो तो जीत गया, लेकिन बाकी जो अदर कास्ट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें जो मेजॉरिटी होती है, जिसकी संख्या अधिक होती है, जो बहुमत में होता है, उसको जरूरत से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, लेकिन माइनॉरिटीज को नहीं मिल पाती है। उसी माइनॉरिटीज के लिए आनुपातिक मतदान प्रणाली लाया गया, जिसे आप जानते होंगे कि थॉमस हेयर ने प्रस्तुत किया था, इसे हेयर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें संशोधन ड्रूप ने किया था। तो यह आनुपातिक मतदान प्रणाली लाई किसके लिए गई? माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। लोकतंत्र की जो सबसे कमजोर नस है, जिसे आप जानते हैं, रूल ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का शासन। बहुमत का शासन, अगर मैं कहूं कि 100 है, 100 का बहुमत कितना होता है? 51 होता है। अगर इसने फैसला कर लिया कि ए सही है, तो बाकी जो शेष बचे 49, जबकि 49 इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन 51 ने फैसला किया कि ए सही है, तो 49 को भी मानना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के सामने यह बहुत बड़ी चैलेंज कहा जाता है कि किसी भी देश में प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाया गया, यह वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो अल्पसंख्यक वर्ग को उसके संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दे देता है। यानी प्रत्येक जो समाज में, जिस देश की बात करें, कि उस देश में जो जितने रेशियो में होगा उसी रेशियो में उसको सीटें भी मिल जाती हैं। अब चर्चे का विषय, कभी भी आपसे पूछे कि पूरे विश्व में माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सबसे बेहतर इलेक्टोरल सिस्टम कौन सा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यूपीएससी में भी सवाल पूछ चुका है। अब मेरे चर्चे का विषय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए जो इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया गया वो प्रादेशिक नहीं, आनुपातिक मतदान प्रणाली अपनाई गई। क्यों? क्योंकि अगर प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई होती तो इस देश में जिसकी संख्या कम है उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदूज हम देखें, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, अगर इनके बारे में हम चर्चा करें, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में चूंकि इलेक्शन अगर हो तो सबसे ज्यादा ये होंगे। इसकी भी संख्या भारत में ठीक ठाक है, तो कुछ मेंबर्स इसके भी इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो नीचे आप देखेंगे इनके सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। यदि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई होती तो इस देश की आजादी की लड़ाई इन सारे लोगों ने लड़ी है, और जिस देश की आजादी की लड़ाई सारे लोगों ने लड़ी है उन लोगों के दम पर भारत आजाद हुआ, और उसी आजाद भारत के लिए संविधान बन रहा था, और संविधान को बनाता कौन? संविधान सभा के सदस्य बनाते, और उस संविधान सभा में अगर इन लोगों के सदस्य न होते तो यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होती। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसलिए अपनाई गई कि यह जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में उसको स्थान मिलेगा, यह जिस रेशियो में होगा उस रेशियो में मिलेगा ईसाई को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को, यानी प्रत्येक को अपने संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो भी गर्व के साथ ये बात कहेगा कि इस देश को आजाद कराने में अगर हमने कुर्बानी दी है तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी हम मौजूद थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। अब इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन का रिजल्ट देखिए, कुल 296 सदस्यों का इलेक्शन। जब इलेक्शन हुआ तो इस 296 में
कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट, निर्दलीय इंडिपेंडेंट 8 सीट, यूनियनिस्ट पार्टी 1, मुस्लिम यूनियनिस्ट पार्टी 1, अछूत जाति संघ 1, शेड्यूल्ड पार्टी 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, सिख पार्टी 1, सिख कम्युनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल को 1 सीट मिली। ये 296 का फिगर है आपके सामने। अब यहां से कई सवाल पूछा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में यानी संविधान सभा में जो 296 थे, इसमें अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे? तो चूंकि इसके बारे में फैक्ट्स है, जान जाइए वजह उसका। अंबेडकर पहले बंगाल में, कौन सा बंगाल, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पुनः आप देखेंगे कि यही अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी में पुणे से निर्वाचित हुए। वजह उसका कि अंबेडकर जब बंगाल से निर्वाचित हुए तो देश का हमारे पार्टीशन हुआ और उस बंगाल का भी पार्टीशन हुआ, तो एक पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, वो चला गया। तो अब अंबेडकर को की सीट चली गई, इसलिए उनको दूसरी बार इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो बंबई प्रेसिडेंसी की जो सीट थी वो संभवतः हमको लग रहा है कि जयकर साहब थे, उनसे रेसिग्नेशन लेटर दिलवाया गया, तो वो सीट खाली हुई, तो पुणे से इनको निर्वाचित किया गया। तो कभी भी पूछे आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे या कहां से आए थे, तो जवाब हमारा, क्योंकि विकल्प में बंगाल भी लिखेगा और विकल्प में बंबई प्रेसिडेंसी भी लिखेगा, तो बंगाल न लगाइएगा, बंबई प्रेसिडेंसी लगाइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अंबेडकर बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। अब सवाल का नेचर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अंबेडकर पहली बार कहां से निर्वाचित हुए थे, तो बंगाल से। दो सवाल। दूसरा सवाल देखिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हिंदू महासभा का कोई सदस्य नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हिंदू महासभा का भी कोई सदस्य नहीं था, यह सवाल भी हमसे पूछा गया है। तीसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो हम कह सकते हैं कि 15 महिलाएं थीं। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिसके सदस्यों की संख्या 389 थी, इस 389 में कितनी महिलाएं थी? 15 थी।
जिसमें से कितनी निर्वाचित हुई थी, तो इस 15 में से 12 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, तो बची कितनी, 3। ये 3 कहां से आई थी, देशी रियासतों से, वार्ता समिति के परामर्श के द्वारा आई थी। वो 12 महिलाएं कौन थी जो निर्वाचित हुई थी, 296 निर्वाचन हुआ, इस 296 में महिलाएं कितनी थी, 12 थी, कितनी निर्वाचित हुई थी, इलेक्टेड वुमेन्स कितनी थी, 12 थी, कुल कितनी थी, 15 थी। इस संविधान सभा में अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे, बंबई प्रेसिडेंसी से, पहली बार कहां से इलेक्ट हुए थे, बंगाल से। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में किस पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई मेंबर शामिल नहीं था, हिंदू महासभा का। अब हम उन महिलाओं के ऊपर आपसे चर्चा करें कि जो 15 महिलाएं थी जिसमें से 12 निर्वाचित हुई थी, वो 12 महिलाएं कौन कौन थी। इस 296 में 12 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, इलेक्ट हुई थी, वो 12 महिलाएं कौन थी, श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन, दूसरा श्रीमती दक्षायनी वेला युधन, तीसरा श्रीमती दुर्गा पई, चौथा श्रीमती हंसा, श्रीमती हंसा मेहता, पांचवा श्रीमती मालती चौधरी, छठा श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी, सातवां श्रीमती विजय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, आठवां श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी आठ, नवी महिला श्रीमती कमला चौधरी, दसवां श्रीमती सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ग्यारहवां राजकुमारी अमृता कौर, और बारहवां बारहवीं महिला श्रीमती लीला राय। ये 12 महिलाएं थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में निर्वाचित हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 4 संयुक्त प्रांत से थी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी। अब 12 महिलाओं का नाम मैंने यहां पर लिखा है,
और कुल महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी? तो मैंने आपसे कहा कि कुल कितनी थी, 15 थी। 15 में से निर्वाचित कितनी हुई थी? 12। तो जो 3 महिलाएं और थी जो एडवाइस के थ्रू आई थी, वार्ता समिति के परामर्श के द्वारा आई थी, वो कौन थी? तो एनी मास्करीन, दूसरा बेगम एजाज, बेगम एजाज रसूल, और तीसरी थी रेणुका। रेणुका रे। ये 3 ऐसी महिलाएं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मेंबर थी जो वार्ता समिति के परामर्श के द्वारा आई थी। यानी ये तीनों के तीनों महिलाएं देशी रियासतों से आई थी। बाकी शेष जो 12 महिलाएं थी वो निर्वाचित हुई थी। कहां से निर्वाचित हुई थी? तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से। वो महिलाएं कौन कौन? तो मैंने आपके सामने इनका नाम रख दिया, क्योंकि पूछने वाला यूपीएससी जानते हैं कि बहुविकल्पीय सवाल यानी मल्टी ऑप्शन जब क्वेश्चन रखता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के महिलाओं के बारे में पूछ दे, तो ये कम से कम हमको याद रहे कि जैसे दे देगा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से फलाने कि संविधान सभा में श्रीमती कमला चौधरी, श्रीमती सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कोई और नाम दे दे जिनका इस 15 में नाम ना हो, कौन सा कथन असत्य? इन 15 महिलाओं के अलावा जो भी नाम देगा उसके अलावा वो गलत होगा। संविधान सभा में निम्न में से कौन महिला सदस्य थी? तो 15 में से जो भी देगा वो होंगी। कौन नहीं थी? तो इन 15 के अलावा जो भी नाम देगा वो नहीं थी। तो ये फैक्ट्स है, और इस फैक्ट्स को अगर मैंने आपके सामने लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है कि जानते रहिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जब इलेक्शन हो गया, मेंबर्स का जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में मुस्लिम लीग की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, यानी उसका इलेक्शन में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। नतीजा क्या निकला कि मुस्लिम लीग को अपनी नाराजगी व्यक्त करनी थी, इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 389 सदस्य आ गए, इस 389 में से 93 देशी रियासतों से आ गए और ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और मुख्य आयुक्त के प्रांत से 296 आ गए, कुल 389 आ गए। इस 389 में मुस्लिम लीग की पोजीशन बहुत खराब थी, 73 सीटें उसको मिली थी, तो गुस्सा उसका बाजी। जब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार का स्टेटमेंट आता है कि अगर भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, जिसको भारत का एक बहुत बड़ा भाग नहीं मानता, तो हम जबरदस्ती उसके ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं थोपेंगे। यह मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था। नतीजा क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई। यह हमारे लिए एक ग्लोरियस डे था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हो गया, 9 दिसंबर 1946 का ऐसा दिन आया जिसे हम गौरव के साथ याद कर सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की अस्थाई अध्यक्ष के रूप में।
महत्वपूर्ण ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मुस्लिम लीग की ने अपनी स्थिति का आकलन कर लिया था, बहुत कमजोर पोजीशन थे। नतीजा क्या निकला कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की, तो मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फर्स्ट मीटिंग का बायकॉट कर दिया, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार किया तो नेहरू हमारे सामने आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बायकॉट किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने धमकी दी कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। वो दो बातें कौन सी थी? मुस्लिम लीग को धमकी कि अंतरिम सरकार में अगर रहना है, इंटरिम गवर्नमेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, जवाहरलाल नेहरू का कहना कि अंतरिम सरकार में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बैठक में भाग लेना होगा, और यदि मुस्लिम लीग इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शामिल नहीं होती तो उसे इंटरिम गवर्नमेंट से रेसिग्नेशन लेटर देना होगा, यानी त्याग पत्र देना होगा। नेहरू की इस धमकी का असर हुआ और हुई दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई, इस दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से, फुल कॉन्सेंट से संविधान सभा का सभापति यानी चेयरमैन चुन लिया जाता है। तो कभी भी यह सवाल पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की दूसरी बैठक हुई तो जवाहरलाल नेहरू की उस धमकी का असर हुआ, प्रभाव हुआ। क्या धमकी दिए थे? कि यदि मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं होती तो उसे अंतरिम सरकार से रिजाइन देना होगा। नतीजा यह हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट की, लेकिन जिद वही उसकी, हठधर्मिता वही। कौन सी? तो चूंकि रेलिवेंट है, कुछ ही बातें आप जानिए रेलिवेंट है। क्या? कि मुस्लिम लीग ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो वह मुस्लिम लीग जिसका गठन 1906 ढाका में किया गया, इसका संस्थापक सलीमुल्लाह को कहा जाता है। इस मुस्लिम लीग का पहला स्थायी अध्यक्ष आगा खां था, आगा खां यही था पहला स्थायी अध्यक्ष, ये था। मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्टेस्ट में मुस्लिम लीग को यहां पर लाया हूं। वह मुस्लिम लीग जिसका गठन 1906 में हुआ ढाका में, उसका पहला स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। इस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस और लीग की पहली एक साथ जो मीटिंग हुई थी वो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, लखनऊ अधिवेशन। ये वही लखनऊ अधिवेशन है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग एक साथ बैठक हुई, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ बैठक हुई थी। जैसे आप देखते हैं हमारे देश में बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस का भी वार्षिक अधिवेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी वार्षिक अधिवेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी का अलग वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का अलग वार्षिक अधिवेशन, समाजवादी पार्टी का अलग, बहुजन समाज पार्टी का अलग, वैसे ही कांग्रेस का अलग
मुस्लिम लीग की अलग बैठक होती थी, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार दोनों की एक साथ बैठक हुई लखनऊ अधिवेशन में, और दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसी को हम कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जानते हैं, या उसी को हम लखनऊ समझौता भी कहते हैं। इस कांग्रेस लीग पैक्ट में क्या था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस की मांग को मान लिया, तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक प्रतिनिधित्व की बात को मान लिया, जिसकी प्रोविजन मोरले मिंटो में हुआ था, यानी भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व दी गई थी। तो मुस्लिम लीग के पृथक प्रतिनिधित्व की बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर ली, और कांग्रेस की मांग औपनिवेशिक स्वराज्य की मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली, जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। 1937 में प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 में यह प्रोविजन था, फुल्ली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट्स को स्टेबल करने की बात की गई थी, कहां पर, प्रांतों में। तो जाहिर सी बात है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए इलेक्शन होता, इलेक्शन हुआ, जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कांग्रेस को 7-8 प्रांतों में उसकी सरकार बनी, जिसे हम कांग्रेस मंत्रिमंडल कहते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल बेहतर ढंग से काम करने लगी, लेकिन आप ये जानिए कि यह धर्मराज युधिष्ठिर का रिजीम नहीं है सत्ता का। उस धर्मराज युधिष्ठिर के दौरान भी आप देखे होंगे कि सत्ता और करप्शन का चोली दामन का साथ होता है, वैसे ही यहां पर भी था। धीरे धीरे कांग्रेस मंत्रिमंडल में करप्शन व्याप्त होने लगे, लोगों में गलत मैसेज जाने लगा। लोगों में गलत मैसेज जाने का वजह क्या था कि इसी कांग्रेस के बैनर तले लोग देश के आजादी की लड़ाई की मांग कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, और दूसरे तरफ इसी कांग्रेस मंत्रिमंडल की सरकार, इसी कांग्रेस के नेतृत्व में बनी हुई सरकार उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। तो मैसेज जाना, जाहिर सी बात है कि गलत मैसेज जाएगा। तब गांधी जी हमारे सामने आते हैं और बोलते हैं इस बात को कि कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर मैं उकता गया हूं, यदि कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर न किया गया तो मैं समूल कांग्रेस को नष्ट कर दूंगा, और उसे नष्ट करने में मुझे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। नतीजा यह निकला कि गांधी जी के कहने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल, जिसने 28 माह तक शासन किया था, रिजाइन दे दिया। जब त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा कर दी, मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा कर दी। वह कांग्रेस मंत्रिमंडल जिसने 28 माह तक शासन किया था, गांधी जी के कहने पर रिजाइन दिया, जब त्यागपत्र दे दिया तो इस मुस्लिम लीग ने उसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कब? 22 दिसंबर 1939 को। इसके बाद का फैक्ट्स देखिए कि उसी मुस्लिम लीग को लीड करने वाला, जो लीड कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना ने 1940 जिन्ना 1940 में टू नेशन थियरी द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का मतलब, इस द्विराष्ट्र के सिद्धांत का जनक तो कहा जाता है इकबाल को, लेकिन जब यह पूछे कि जिन्ना ने टू नेशन थियरी कब इंट्रोड्यूस किया, 1940 को, जिन्ना का यह कहना कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने 1940 में टू नेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। इस टू नेशन थ्योरी का मतलब कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, भारत और पाकिस्तान। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को
कराची में, जहां पर इसका अधिवेशन हुआ कराची में, उस कराची अधिवेशन में इस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे मनाया, पाकिस्तान दिवस, और नारा दिया क्या, बांटो और जाओ, डिवाइड एंड गो। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और जाओ का नारा दे दिया। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उसके रास्ते क्या है। और अंततः उस मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस भी कहा जाता है, इस मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी 16 अगस्त 1946, जिसके बारे में मौलाना आजाद का यह कहना कि भारत में के इतिहास में लिखा जाने वाला यह काले अक्षरों का दिन होगा। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की इधर घोषणा होती है कलकत्ता में, चूंकि मुस्लिम लीग की सरकार थी, और जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई उस दिन पूरे कलकत्ता में छुट्टी की गई थी, बंगाल में छुट्टी, अवकाश घोषित कर दिया गया। कलकत्ता के नोआखली से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत हुई और देखते देखते देश हमारा जलने लगा। किसमें? कम्युनल लाइट्स में हिंदू मुस्लिम दंगे की शुरुआत हुई। अब एक तरफ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा होती है और देश में हमारे दंगा फसाद शुरू होता है, और इस दंगा फसाद का क्या रूप था यह तो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद एतराज कर सकते हैं। उस वक्त के जो प्रत्यक्ष दर्शी होंगे, सोचिए क्या वो बयान किए होंगे अपने शब्दों में। 1946 को उस मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसका विभत्स परिणाम था हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा होना। इस सांप्रदायिक दंगे में क्या हुआ, इतिहास में बहुत सी बातें लिखी पड़ी हैं। मां के सामने बेटा मारा जा रहा था, बेटे के सामने मां मारी जा रही थी, बाप मारे जा रहे थे। जिन घरों के आंगन में बच्चे खेलकर जवान हुए थे, वही आंगन, वही छत शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिए गए। बाप तो बाप होता है, भारतीय जो संस्कार है, बाप और बेटे दोनों सामने और दंगाई सामने। बाप अपने आप को बलिदान करना चाहता है, बेटा बाप को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि बाप तो बाप होता है, बाप बोलता है बेटा तू जा यहां से, बेटा जाने के लिए तैयार नहीं। ये वो संस्कार भारत का, बेटा जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अंततः उस बाप के द्वारा यह बात कही जाती है कि मेरी चिंता ना कर, मैं मारा जाऊंगा लेकिन तू तो बचेगा। और अंततः उस बाप के द्वारा यह बात कही जाती है, भाग मिल्खा भाग, जो भाग मिल्खा भाग फिल्म बनाई गई है वो इसी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर बनाई गई है कि डायरेक्ट एक्शन डे का जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा। इसको अगर आप देखना चाहें तो भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म देख सकते हैं, गदर जैसी फिल्में देख सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ हमारा देश जल रहा था और दूसरे तरफ संविधान सभा की बैठक हो रही थी, और बैठक हो कब रही थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। मैंने आपसे कहा कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने उसका बायकॉट किया था। बायकॉट करने के पीछे वजह था कि 9 दिसंबर को इधर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग हो रही थी और इधर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर चुकी थी मुस्लिम लीग। यानी बैठक से पहले देश हमारा सांप्रदायिक आग में जल रहा था। ऐसे माहौल में नेहरू की धमकी, उस धमकी का असर, और 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उस दूसरी बैठक में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिद वही थी। कौन सी जिद? पृथक पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक असेंबली चाहिए। और नतीजा क्या हुआ,
कि लॉर्ड वेबल जाता है और उसके स्थान पर माउंटबेटन गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, और 3 जून 1947 को जो घोषणा हुई, उस घोषणा के वजह से हमारे देश का पार्टीशन, जिस अखंड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ, जब पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो 389 थी वो घटकर 324 हो गई, और अंततः कुछ क्षेत्रों में जनमत संग्रह हुआ जिसके वजह से यह सदस्य संख्या घटकर हो गई 299। ये वही 299 लोग हैं, ये वही 299 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कमेटी। 13 दिसंबर 1946 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के संदर्भ में सबसे पहली समिति का जो जिक्र मिलता है वह उद्देश्य प्रस्ताव समिति का मिलता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अनेक कमेटियों के माध्यम से कार्य किया, यूपीएससी में सवाल हिट किया है, आप देखेंगे तो सवाल पूछा है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हां, सही बात है। उन समितियों के बारे में सबसे पहली समिति ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कमिटी 13 दिसंबर 1946 को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की रिपोर्ट को सर्वसम्मत से पास कर दिया। यह भी फैक्ट्स हमसे पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को। जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह बात कही कि यह संकल्प से अधिक है, हमारे लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, हमारे लिए एक निश्चय है, और कहे तो हमारे लिए एक संकल्प से अधिक है। जब उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी 1947 को पास कर लिया तो बीएन राव ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का की ड्राफ्टिंग तैयार की। जब वीएन राव ने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग तैयार की तो इसी ड्राफ्टिंग पर विचार विमर्श करने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर बनाए गए। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी, इसलिए कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं ला रहा हूं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के संदर्भ में जो समितियां सबसे महत्वपूर्ण रही हैं उन समितियों का के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट्स पूछता है लेकिन वह सिंगल फैक्ट्स नहीं होगा, कई फैक्ट्स होंगे, मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन होंगे, इसलिए प्रारूप समिति के बारे में मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसे ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, जिसमें अंबेडकर चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, बाकी शेष जो 6 सदस्य थे वो भी देखें, के मुंशी, मोहम्मद
सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, डीपी खेतान, हाँ तो मैं ये आपसे कह रहा था कि प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर थे? सात थे। वो सात कौन थे? तो उन सातों में सबसे पहले नाम आता अंबेडकर का, जो चेयरपर्सन थे उसके, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, डीपी खेतान और बी एल मित्तल, ये सात मेंबर आपके सामने, जिसमें से डीपी खेतान की 1948 में मौत हो गई। 1948 में इनकी मौत हो गई। तो जब डीपी खेतान की 1948 में मौत हो गई तो इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। बी एल मित्तल का स्थान भी कुछ समय के पश्चात रिक्त हो गया। तो जब इनका स्थान खाली हुआ तो इनके स्थान पर क्षमा करें, डीपी खेतान की जब मौत हुई 1948 में तो डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया। और जब बी एल मित्तल का स्थान कुछ समय के पश्चात रिक्त हो गया तो इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। अब इस ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछा है, जैसे पूछने वाला हमसे आपसे पूछ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा इसमें कि इसमें अंबेडकर सहित कुल 8 सदस्य थे, गलत है, 7 सदस्य थे। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, सही है। प्रारूप समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ मदन मोहन मालवीय भी थे, गलत है। या निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सात तो आपके सामने दिख रहे हैं प्लस दो, ये सात दो नौ, इन नौ के अलावा कोई भी नाम दे तो वो नहीं था। या कौन था? तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि हमें सात और दो नौ नाम याद रहे। ड्राफ्टिंग कमिटी ने लगभग 114 दिन तक चर्चा की और चर्चा करने के बाद फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब इसके बारे में आप देखेंगे कि इस दौरान संविधान को बनाने के लिए बहुत सी समितियां बनाई गई, जैसे एडवाइजरी कमिटी, संवैधानिक सलाह समिति, संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष बी एन राव थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्शदात्री समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, उद्देश्य प्रस्ताव मैंने बताया ही जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति या अधिकार समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कमिटी जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति जेबी कृपलानी। कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना लगाइएगा, क्योंकि झंडा समितियां दो प्रकार की थी, एक तदर्थ थी और दूसरा अस्थाई था। एडहॉक कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई जो थी उसके जेबी कृपलानी थे। ऐसी बहुत सी समितियां बनाई गई, सबने अपने अपने सब्जेक्ट पर काम किया और इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए विभिन्न समितियों ने कार्य किया और नतीजा क्या हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कुल 11 अधिवेशन हुए, संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुए, कुल 11 अधिवेशन हुए। और एक
नॉर्मल बात यह भी जानिए कि जब किसी भी विषय पर जब कानून आज भी हमारे पार्लियामेंट में बनता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। किसी भी विषय पर जब कानून बनाया जाता है तो उसके बारे में 3 स्टेप होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यूपीएससी में भी आ चुका है यह सवाल और यूपीपीसीएस में भी उसी यूपीएससी के सवाल को रिपीट किया था कि किसी भी विषय पर जब कानून बनाया जाता है, विधेयक को पास किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा होता है, तो वो द्वितीय होता है। तो हमारे देश का कानून बन रहा था और उस कानून का नाम हमारे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जाहिर सी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के 3 वाचन हुए होंगे। पहला वाचन कब हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन शुरू हुआ। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और जो तीसरा वाचन शुरू हुआ वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अब इन तीनों वाचन को देखिए, जो सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला वाचन होगा वो सेकंड होगा। कानून बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है वो सेकंड फेज होता है। तो देखिए यहां पर दूसरा वाचन सबसे लंबा चला होगा, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब जब 26 नवंबर 1949 की बात हुई, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स बैठे, वो ऐतिहासिक दिन भी आया, वो ग्लोरियस डे भी हमारे इतिहास में आया कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो 299 सदस्य थे, इस 299 में से 284 मौजूद थे, उपस्थित थे। कब, 26 नवंबर 1949 को। यानी जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का लास्ट फेज चल रहा था तो 284 सदस्य मौजूद थे, और इसी 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मत से संविधान को पारित किया। यानी 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य फुल कॉन्सेंट सर्वसम्मत से कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया, सिग्नेचर हुआ, अब बना कानून। जब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून बन गया तो बनने के बाद उसी 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया। यह भी सवाल यूपीएससी में आ चुका है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को किसने एडॉप्ट किया, अंगीकृत एडॉप्ट, अधिनियमित इनैक्ट, आत्मार्पित। आत्मार्पित का अर्थ होता है कि हमने अपनी आत्मा में अर्पित कर लिया। किया किसने,
26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किसने की, इनेक्ट किसने की? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम संक्षेप में लिख सकते हैं, जनता। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास की थी, इस देश के कानून को बनाया था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट नहीं किया। एडॉप्ट किया किसने? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जनता ने किया। जब हमने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, तो इसी 26 नवंबर 1949 को आर्टिकल 394 अनुच्छेद 394 में यह मेंशन किया गया, क्या? कि 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 364, 367, 380, 388, 391, 392 and 393 इन्फोर्स्ड कर दिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर इन्फोर्स्ड, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू किए गए, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए। वह कुछ प्रावधान, सम प्रोविजन क्या थे? तो नागरिकता के बारे में, निर्वाचन के बारे में यह प्रावधान लागू किए गए। कभी भी आपसे पूछे कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू किया गया, तो यह आपके सामने मैंने लिखा है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया, हमने उसको एडॉप्ट भी कर ली, तो अब जरूरी था कि इसी 394 में यह भी मेंशन किया गया कि इन अनुच्छेदों के अलावा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यानी पूरा का पूरा संविधान इन अनुच्छेदों को छोड़कर फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ। अब ये नॉर्मल सवाल है कि कोई भी हमसे अगर पूछे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था, इस देश के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी कर ली, तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया होता तो इसका कारण है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, क्योंकि ये 26 जनवरी का जो तारीख है, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे कहा जाता है। इसी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने कहां पर, लाहौर अधिवेशन में, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इसी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। तो कभी भी आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष में हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। अब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स्ड हुआ। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसे कहते क्या है, क्या कहते हैं? ओरिजिनल डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ की तारीख। एक,
दूसरी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ, उसी को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान कहते किसे हैं? तो वह कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जिसे 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स्ड किया गया था। अब सवाल पूछने वाला पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल संविधान के पूर्व लागू किया गया? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल संविधान से पहले लागू किया गया? तो सामने है, ये जितने अनुच्छेद मैंने आपके सामने लिखा है, लगभग 15 अनुच्छेद होगा संख्या गिनेंगे तो, ये 15 अनुच्छेद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसका अर्थ दूसरा यह हुआ कि इन अनुच्छेदों के अलावा शेष पूरे के पूरे अनुच्छेद कब लागू किए गए? 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हम उसी को क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान। तो मूल संविधान से पूर्व निम्न में से कौन से अनुच्छेद लागू किए गए? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 367, 389, 390, 392, 393, 394, 392, 393, 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
जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसके भाग भी हैं, अनुसूचियां भी हैं, स्रोत भी है, मूल संविधान में पूछने वाला पूछा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने शेड्यूल्ड थे, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, आज कितना है, 12 है, कौन बढ़ा, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अब देखिए यूपीएससी ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, यानी 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो कौन सी अनुसूची नहीं थी, 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियां नहीं थी, कब जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई। जैसे 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, 10वीं अनुसूची 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया, जिसे आप एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 2018 या 19 के यूपीएससी का सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संशोधन के द्वारा, पहले संशोधन के द्वारा, तो जब पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था, नॉर्मल सवाल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके बारे में भी कई बार पूछा है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची का विषय क्या है, एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम, उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था, श्री राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राहुल गांधी थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन सा संशोधन था, 73वां संशोधन 1992 में। 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इनमें प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव थे, आज वो भी हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इस 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसे हम पंचायती राज संबोधित करते हैं, 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकाय जिसे हम नगरपालिका से डिनोट करते हैं। तो ये अनुसूचियां 1, 2, 3, 4 ये चार अनुसूचियां यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। वैसे ही
वैसे ही भाग हैं कि जैसे अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 है, मूल संविधान में कितनी थी 8 थी, आज कितनी है 12, वैसे ही भागों की संख्या, आज भागों की संख्या 22। इसमें कुछ और भाग जोड़े गए, जैसे भाग 4 कैपिटल ए, 9 कैपिटल ए, 14 कैपिटल ए, यह अनुसूची, ये भाग जोड़े गए। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य वाला भाग जो भाग 4 का है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 9 का जो नगरपालिका है शहरी स्थानीय निकाय है 74वां संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। 14 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको 42वां अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो अब आप लोगों को करना क्या होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में कोई भी विषय हमसे छूटना नहीं चाहिए जहां से सवाल हमसे पूछता है, तो एक मेरी सलाह होगी कि भाग है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उस पार्ट में 1 से लेकर 22 तक भाग दिए हैं, तो उस भाग में सब्जेक्ट है, तो 1 से लेकर 22 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निषेध तत्व, 4 का में मूल कर्तव्य, 5 में संघ की कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि दिया है, तो 1 से लेकर 22 तक ये याद कर ले। वैसे ही अनुसूचियों में कि 1 से लेकर 12 अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची में कौन सा विषय है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरी अनुसूची में क्या है राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति है, उपसभापति है, नियंत्रक मालिका परीक्षक है, सुप्रीम कोर्ट आदि है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। तो 1 से लेकर 12 अनुसूची में क्या क्या विषय दिए हैं वो भी याद कर लें, और लास्ट में बसती है बात कि कौन से देश से क्या लिया गया है, ये अगर स्रोत तैयार हो गया तो अब हमारा यहां पर पहला टॉपिक कंप्लीट होता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया और भारत का संविधान बना कैसे, बनाने के लिए क्या क्या हमने किया, किन किन समितियों के माध्यम से कार्य किया, यहां पर हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक मैं लेकर आऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या